प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी के 191वीं जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। शिवसेना के संजय राउत ने कहा, जिस तरह से राहुल गांधी को कॉलर पकड़कर धक्का मारा और गिराया गया, एक तरह से इस देश के लोकतंत्र पर गैंगरेप है। इस गैंगरेप की भी जांच होनी चाहिए। केरल में कलेक्टरों को धारा 144 लगाने की अनुमति दी गई है। 5 से ज़्यादा लोगों की सभाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठाणे में कमर्शियल इलाके में कम से कम आधा दर्जन दुकानों में आग लग गई है, किसी को चोट नहीं आई। कर्नाटक के सीएम बीएस येडियुरप्पा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी मिलेनिया ट्रंप कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव पाए गए। पुलिस ने गुरुवार को कहा कि भदोही जिले में एक 14 वर्षीय दलित लड़की की बलात्कार में पहले हत्या कर दी गई है। SP भदोही रामबदन सिंह ने कहा, उसके सिर पर ईंटों से प्रहार किया गया था, जबकि परिवार को संदेह है कि उसके साथ बलात्कार किया गया था। पुलिस इसके पुष्टि के लिए शव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। ये बलात्कार हो सकता है क्योंकि उनकी हत्या करने का कोई और कारण नहीं हो सकता था। उसकी किसी से दुश्मनी हो नहीं सकती थी, पर इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही की जाएगी। भदोही पुलिस ने कहा है कि इस मामले में हत्या का मामला दर्ज किया गया है और संदिग्धों की तलाश जारी है। हो सकता है क्योंकि और बच्ची को मारने का कोई रीजन नहीं हो सकता है, कोई उसकी दुश्मनी नहीं हो सकती है, लेकिन इसकी जो अंतिम पुष्टि है वो पोस्टमार्टम कराने के बाद ही हो पाएगी। परिजन भी इस बात को कह रहे हैं कि रेप की आशंका परिजन भी जता रहे हैं। नहीं, मैं भी कह रहा हूँ, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन फाइन। मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को महिलाओं के खिलाफ देश में यौन हिंसा के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की और टिप्पणी की कि पवित्र मातृभूमि भारत अब बलात्कारियों की भूमि में बदल गई है, जहां पर 15 मिनट में एक बलात्कार होता है। अदालत में दायर प्रवासी मजदूरों से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में असम के एक प्रवासी श्रमिक के बलात्कार की ओर इशारा किया था। कर्नाटक के विपक्ष के नेता सिद्धरामैया की हालिया टिप्पणी पर कड़ी निंदा करते हुए कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस एक गठबंधन के योग्य पार्टी नहीं है, क्योंकि उसके पास गठबंधन धर्म के लिए सम्मान नहीं है। कर्नाटक के पूर्व मंत्री और विधायक अरविंद लिंबावली, जिन्होंने हाल ही में हुए पूर्व बेंगलुरु दंगों की जांच के लिए सत्तारूढ़ भाजपा की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का नेतृत्व किया था, उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा कोई गलत काम नहीं किया गया है और मांग की गई है कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI पर प्रतिबंध लगाया जाए। गुरुवार को पार्टी कार्यालय में मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा को रिपोर्ट सौंपते हुए लिंबावली ने दावा किया कि कांग्रेस के भीतर आंतरिक बदलावों ने भी हिंसा में योगदान दिया है। सभी आरोपियों को बरी करने वाले बाबरी मस्जिद विध्वंस के फैसले के एक दिन बाद केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजय ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मामले में अपराधियों को दंडित नहीं किया गया है। देश के लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए धार्मिक आधिपत्य के खिलाफ लड़ने का समय का आग्रह करते हुए पिनराई ने कहा कि CBI और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि अपराध के अपराधियों को दंडित करने के लिए आवश्यक कानून कार्रवाई करे। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सभी 32 आरोपी, जिनमें भाजपा के दिग्गज अडवाणी और MM जोशी भी शामिल थे, बुधवार को CBI की विशेष अदालत ने उन्हें बरी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि उनके खिलाफ कोई निर्णायक सबूत नहीं है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें।